गुड मॉर्निंग बेटा। सेकंड चैप्टर में हम डोमेन रेंज वाला टॉपिक हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एट क्वेश्चन कर रहे थे जिसका फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था। सेकंड और थर्ड अगर आप निकालोगे ना तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। रूट की फॉर्म है, क्या बताया था कि डोमेन रेंज जब भी निकालना है तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें रियल वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यूज रियल नहीं होती? जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ आती हैं। और हमें वैल्यू डिफाइन चाहिए, तो डिफाइंड वैल्यू कौन से नहीं होती? 0/0, ∞/∞, something upon 0। तो तीन पार्ट होते थे। अब आप फोर्थ देखो, y=x-5 / x-5। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। जब तुमने स्टेटमेंट को ध्यान से देखा ना, तो ऐसी टर्म तो हमारी पढ़ ही नहीं सकती। x की किसी भी वैल्यू पे हमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन पे रूट है ही नहीं। अगर रूट नहीं है तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, डिफाइंड रहना चाहिए। तो सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है कि डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा। अगर हम एक्स को 5 रख देंगे तो वाई डिफाइंड नहीं रहेगा। डिफाइंड नहीं रहेगा का मतलब हम यही कहेंगे कि हम एक्स को 5 नहीं ले सकते। अब ध्यान सुनना, इसके साथ साथ हम क्या करें कि तुम एक्स को 5 के अलावा कुछ भी पुट करो, वाई की जो वैल्यू सोल होगी आएगी ना, वो आपकी रियल आएगी और डिफाइंड आएगी। जैसे तुम ये कहो तो एक्स को 4 रखेंगे, रख दो 4 - 5 - 1, -1 का mod 1, नीचे 4 - 5 - 1 और 1/-1 - 1, -1 तो रियल वैल्यू आई। आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, y जो है 5 को छोड़ के कुछ भी रखो, x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड रहेगा। तो x के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन क्या लगी कि पूरी रियल लाइन की अगर बात करें तो सिर्फ एक 5 से प्रॉब्लम है। तो उसको लिखने का तरीका कैसे होगा कि हमारी जो डोमेन है ना कंप्लीट रियल नंबर है, सिर्फ किसको छोड़ के 5 को। ये समझ में आ गया? देखो, इमेजिनरी टर्म्स आने का डर हमें नहीं है क्योंकि हमारे फंक्शन पे रूट ही नहीं है। रूट ही नहीं है तो सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? डिफाइंड। तो ये था आपका थर्ड, जो भी थर्ड फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट सुनो, y=x²+3x+5/x²-5x+4। डोमेन पूछ रहा है, तो हमने जब फंक्शन को ध्यान से देखा तो यहाँ पर भी तो रूट नहीं है। रूट नहीं है तो रियल तो ये हमेशा रहेगा। सिर्फ हमें यूँ देखना है कि ये अनडिफाइंड कब कब बन रहा है। एक्स के जिन वैल्यूज पे ये अनडिफाइंड होगा ना, हम उनको रियल नंबर में से क्या कर देंगे? माइनस। अब ये पता लगाने के लिए कि डिनोमिनेटर एक्स की किस किस वैल्यू पे जीरो बनेगा, उसके लिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेते हैं। देखो, x²-5x+4 है, जब हम फैक्टर करें तो x²-4x - x+4, x कॉमन लिया तो x-4, -1 कॉमन लिया तो x-4, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? x-4 और x-4। ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके फैक्टर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और नीचे वाले जो टर्म थी हमने उसके टुकड़े कर दिए, तो x-1 और x-4 आ गया। अब हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि x की किस किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, 1 पे और 4 पे। तो हम क्या कहेंगे कि x को 1 और 4 नहीं ले सकते। लेकिन हम इस चीज को लिखेंगे कैसे कि हमें पूरे रियल नंबर में से किस किस से प्रॉब्लम है? 1 और 4 से। कई बच्चे क्या करते हैं, देखो एक तो हम लिखे रियल ऐसे ओपन में 1 4, एक हम लिखे रियल क्लोज में 1 4, और एक हम लिखे रियल कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 4। अब दोनों में आर भी, तीनों में आर भी नजर आ रहा है, 1 4 भी नजर आ रहा है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। देखो, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्या कह रहा है कि पूरे रियल नंबर में से 1 से ग्रेटर और 4 से लेस नहीं आने चाहिए। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, भाई 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर हम इसकी बात करें तो यूँ कहता है 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई ये बात, 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है बात, कहते 1 से ग्रेटर भी नहीं आना चाहिए, 4 से लेस भी नहीं आना चाहिए। हमें 1 से ग्रेटर और 4 से लेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 1 से ग्रेटर 2 ले लिया, यहाँ रखो 2 - 1 - 1, 2 - 4 - 2, तो नीचे 0 तो नहीं बना ना, नेगेटिव बन रहा है, बनने दो।
यानी कि हम जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि सिर्फ वन और फोर से प्रॉब्लम है, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ आपको आंसर लेना है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी डोमेन कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन और फोर के लिए डिफाइंड नहीं है और सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। नेक्स्ट देखो फिर इसका लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन में, वन अपॉन में अंडर द रूट वन माइनस एक्स, ध्यान से समझा, रूट भी है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी है। रूट है तो हमें इमेजिनरी टर्म से बचना है, और अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हमें नीचे जीरो बनने से बचना है। अब एक बार ध्यान सुनना, जैसे हम रूट देख रहे थे तो रूट के अंदर वाले टर्म को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कह रहे थे ना, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे भी। क्या वन माइनस एक्स जीरो बन जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये जो वन माइनस एक्स है ना ये डिनोमिनेटर में है। तो दो बात ध्यान रखनी है, रियल बनना चाहिए तो जीरो जीरो से ग्रेटर आ सकता था, लेकिन ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता। बस अब इसको सोल्व कर दो कि एक्स क्या कह रहा है हमें। देखो इधर यहां से वन हटाने के लिए हमने दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। अब देखो माइनस फाइव लेस होता है माइनस टू से, अगर मैं दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाते हूँ तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी या नहीं? अगर मैं इस ग्रेटर की जगह लेस ही लिख देती तो रिजल्ट तो गलत होगा, फाइव तो टू से लेस नहीं होता। इसको हमने पीछे भी पढ़ा था क्वेश्चन में, कहा क्या जाएगा कि जब इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर हो लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो लेस देन इक्वल टू हो, बात हो रही है कि इक्वल साइन ना हो, इनइक्वालिटी के केस में जब दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये पता क्या कह रहा है कि एक्स वन से लेस कुछ भी आ जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैल्यू रियल और क्या मिलेगी डिफाइंड। वन से लेस यानी कि जैसे ये नंबर लाइन है, ये जीरो ये वन, इधर प्लस इनफिनिटी ये माइनस इनफिनिटी, कहते हैं वन से लेस वन नहीं आ सकता। ध्यान देखो इक्वल साइन नहीं है, सिर्फ क्या है लेस देन, वन आएगा तो नीचे फिर जीरो ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इनफिनिटी तक। अब इसको लिखा कैसे जाएगा कि हमारा जो डोमेन है ना वो माइनस इनफिनिटी से वन और बोथ साइड ओपन, इनफिनिटी साइड तो कभी क्लोज आता ही नहीं है क्योंकि हम कभी भी इनफिनिटी को गेन नहीं कर सकते, और यहाँ पे वन साइड भी क्या आएगा ओपन क्योंकि वन इंक्लूड नहीं है। वन के इंक्लूड करने से डिनोमिनेटर क्या बन रहा है जीरो, और अगर डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें सिर्फ क्या पूछी जा रही थी आपसे डोमेन। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9th उसमें वो हमसे क्या पूछ रहे हैं रेंज। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9th और इसके सभी पार्ट्स के अंदर रेंज पूछ रहे हैं। रेंज वर्ड जैसे ही आया तो जो कंडीशन आप एक्स पे चेक कर रहे थे ना वो कंडीशन अब आपको किस पे लगानी है वाई पे। वाई पे लगाने का मतलब है कि भी अब तक हम यूँ कह रहे थे कि एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड हो वो हमारा डोमेन होगा, अब हम कहेंगे वाई की जिस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो रियल और डिफाइंड हो वो हमारा किस में जाएगा रेंज में। फर्स्ट पार्ट आपको ध्यान रखना है, सुनो अंडर द रूट एक्स माइनस फाइव यू कह रहे हैं रेंज निकालो। अब एक बात आप मेरी ध्यान से सुनना, जैसे एक तो यू लेते हैं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू कहते हैं, ठीक है, और एक आपको यूँ कहा जाए कि फोर का स्क्वेयर रूट बताओ तो आप टू बताते हो, तब तो आप प्लस माइनस टू नहीं बताते। ध्यान सुनो क्या है, यहाँ पे हम यूँ कहते हैं भाई इधर से स्क्वेयर हटाए इस पे रूट लग गया फिर प्लस माइनस टू आ गया, वजह ये है कि प्लस का टू और माइनस का टू दोनों के दोनों एक्स की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। दो का स्क्वेयर चार, चार इक्वल टू चार, माइनस दो का स्क्वेयर भी चार, चार इक्वल टू चार, मतलब एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस टू दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। लेकिन जब हम इस तरह से फोर का रूट करेंगे तब क्या आएगा टू आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कभी भी रूट के अंदर आपके पास कोई भी टर्म है आप उसका स्क्वेयर रूट निकालते हो, कॉन्स्टेंट टर्म है उसका स्क्वेयर रूट निकालते हो तो वैल्यू ऑलवेज कैसी आती है पॉजिटिव। जैसे हमारे पास x माइनस फाइव है तुमने x की जगह कोई कांस्टेंट रख दिया, उस कांस्टेंट के रखने से अंदर कोई अगर नेगेटिव टर्म आ भी जाती है तो क्या ये माइनस साइन कभी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा।
हम यूँ कह देते हैं कि वैल्यू कैसी है इमेजनरी। आगे जाके हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर पढ़ेंगे कि जो नेगेटिव साइन है ये बाहर अगर जाता है तो किस तरह से जाएगा, ये आयोटा की फॉर्म में जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हम यहीं पर लिख लेंगे कि वाई जीरो से लेस तो आएगा ही नहीं। समझने की कोशिश करो, एक्स को तुम कुछ भी रख लो, जो भी कॉन्स्टेंट रखो, उस कॉन्स्टेंट का जब स्क्वेयर रूट निकालोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर रूट के अंदर एक्स की किसी वैल्यू को रखने से नेगेटिव बन भी जाएगा, पहली बात तो वो वैल्यू ले नहीं सकते, लेकिन अगर बन भी जाएगा तो भी वो नेगेटिव साइन हमारा बाहर कभी नहीं निकलता, हम उसको इमेजिनरी कहके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें जो रेंज चेक करनी है ना, वो पूरे रियल नंबर में से अगर हम बात करें तो जो जीरो होता है ना, जीरो से लेस की तो बात हम करेंगे ही नहीं। अब आपका पोर्शन कौन सा बच गया, जीरो और जीरो से ग्रेटर। देखो अब जब आपसे रेंज पूछ लेना तो जिस तरह से y की इक्वल है ना, इस क्वेश्चन को x के इक्वल अगर लिख सकते हो तो लिखो। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस क्या आया 5। अगर यहाँ से x लिखते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस में 5। डोमेन निकालने के लिए जैसे y के इक्वल लिखा हुआ है, अगर रेंज निकालते तो हम इसको x के इक्वल अगर चेंज कर सकते हैं तो हमने कर दिया। अब आप देखो, आपको जीरो से लेस पे तो चेक करना ही नहीं है, यहाँ देखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि वाई क्यों नहीं हो सकता जीरो से लेस। लेकिन मैं कह रही हूँ कि डोमेन की कोई भी वैल्यू उठाओ, वाई कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो रेंज में नेगेटिव टर्म्स तो है ही नहीं। अब आपने शुरू किया जीरो और जीरो से ग्रेटर के लिए, तो यहाँ पर तुम वाई को जीरो या जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो या जीरो से बड़ा कुछ भी रख दो, एक्स ना तो कभी इमेजिनरी बनेगा और ना ही कभी अनडिफाइंड आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वाई पे जो कंडीशन लगेगी वहां से हम रेंज बताएंगे। वाई पे कंडीशन क्या है कि वो जीरो से लेके एक्स टू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, जीरो रख सकते हैं और जीरो से लेके एक्स टू प्लस इन्फिनिटी। इसका ध्यान रखना है, जब आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही रूट की फॉर्म है तो वही साइड में लिख लो कि y जीरो से लेस नहीं होगा। फिर देखो इसी का सेकंड, y दे रही है k माइनस x अपॉन में x माइनस k, रेंज निकाल रहे हैं। मुझे ये बताना, अगर हम इसको थोड़ा और सिंपल बनाना चाहें तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस k बन गया, नीचे भी x माइनस k, ये कैंसिल हो गया, माइनस बना है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि x को कुछ भी रख लो, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा माइनस वन। रख के देख लो, तुम x को अगर 2 रखते हो तो k माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस k, माइनस कॉमन लेते ही वही माइनस वन बचा, नहीं बचा, तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है माइनस वन, और उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा के आपको बताना पड़ेगा, इस ओपन का या क्लोज का कोई मीनिंग नहीं होता सिंगल एलिमेंट पे। तो ये हमारी क्या है, रेंज है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे डोमेन पूछ लेता तो तुम डोमेन क्या बताओगे कि नीचे जीरो कब बनेगा, जब एक्स को के रखा जाएगा, तो पूरे रियल नंबर में से हमें सिर्फ किससे प्रॉब्लम रहती, के से। कब है, जब हमसे क्या पूछता, डोमेन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में x माइनस 4। अगर तुमसे डोमेन पूछी जाएगी तो तुम यही तो कहोगे ना, x 4 नहीं आना चाहिए। यानी कि डोमेन अगर पूछी जाती है तो पूरे रियल नंबर में से सिर्फ किससे प्रॉब्लम थी, 4 से, ठीक है। लेकिन क्या पूछ रहा है, रेंज। अब सुनो, अगर रेंज के लिए क्वेश्चन सो रहा है तो थोड़ा सोल्व कर लो। मैंने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी और a प्लस बी, तो x माइनस 4 x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। ये बात आपके साथ चल ही रही है। मुझे ये बताओ, y x प्लस 4 के इक्वल है, तुम x को 4 नहीं रख सकते। अगर x 4 नहीं रखा जाएगा तो y कभी 8 नहीं आएगा। तुम 4 नहीं रखोगे, 3 रखो 7 आएगा, 5 रखो 9 आएगा, कुछ और रखो, लेकिन 8 तो तभी आएगा जब तुम x को 4 रखोगे। तो इसको, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर x 4 नहीं रखा जाएगा, डोमेन में 4 नहीं है, तो रेंज में 8 नहीं होगा। लिखेंगे कैसे, कि हमारी जो रेंज है ना, कंप्लीट रियल नंबर
में से आठ कभी नहीं आएगा क्योंकि डोमेन के अंदर क्या नहीं है, फोर नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और सुनो, आपके टेंथ क्वेश्चन में मिलेगा भी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 36 अपॉन में एक्स माइनस 6 है, इसकी डोमेन पूछता है तो हम क्या कहेंगे, पूरे रियल नंबर में से सिर्फ किससे प्रॉब्लम है, 6 से, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं और ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगा दी तो x माइनस 6 कटने के बाद x प्लस 6 आएगा। अब ये बताओ अगर x 6 नहीं रखा जाएगा तो y कभी 12 नहीं आएगा। लिखेंगे कैसे, अगर डोमेन में 6 नहीं है तो रेंज में 12 नहीं होगा, क्योंकि 6 रखने से ही क्या आएगा, 12। 6 रख नहीं सकते तो फिर हमारी रेंज कंप्लीट रियल नंबर है, किसको छोड़ के, 12 को छोड़ के। नेक्स्ट होगा बेटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। जैसे ही तुमने स्टेटमेंट के अंदर ऐसे रूट देखा तभी y पे कंडीशन लगा दो कि y नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। आप सोल्व कर लो, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा भी तो वो रूट से बाहर नहीं जाएगा। अब हम सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 9। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9। अब तुम देख लो y को 0 से लेस तो लेना नहीं है, और 0 और 0 से ग्रेटर की अगर बात करें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 और 0 से ग्रेटर के लिए ना तो ये कभी अनडिफाइंड बनेगा और ना ये कभी इमेजिनरी बनेगा। तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट है मोड ऑफ x माइनस 7। अगर इस क्वेश्चन में वो तुमसे डोमेन पूछता तो क्या x की किसी भी वैल्यू पे हमारा जो y है वो इमेजिनरी बनेगा, नहीं बनेगा, रूट नहीं है। क्या हमारा जो y है वो x की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल ही नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है तो डिनोमिनेटर कभी 0 आएगा ही नहीं, नहीं आएगा का मतलब ये है इसका जो डोमेन है ना वो तो कंप्लीट रियल नंबर है, कोई भी एलिमेंट रखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेंज की बात करते हैं ना तो x को कुछ भी रख लो, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये जो मोड है हर वैल्यू को नेगेटिव बढ़ भी रही होगी उसे क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो y के ऊपर क्या कंडीशन है कि y हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो y की बात होगी तो फिर वो हमारी क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 टू इन्फिनिटी। फिर देखो इसका जो लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू है x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा रेंज निकालनी है, जिस तरह से y के इक्वल है ना हम इसको x के इक्वल बनाने के लिए सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आएगा y प्लस में x स्क्वायर y इक्वल टू x, x स्क्वायर y माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। ध्यान देखो ये x में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4 a और c, तो a भी y c भी y अपॉन में 2a। रूट जो हमारा रियल होता है इमेजिनरी होता है, टेंथ में हमने पढ़ा भी है आपने कि भी जो रूट का जो नेचर चेक करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, कि रियल होगा या इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बताओ अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर रियल वैल्यू चाहिए तो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 4y स्क्वायर है, सोल्व कर देख लो। अगर 1 माइनस 4y स्क्वायर 0 है 0 से बड़ा रहेगा तो x हमेशा कैसा आएगा, रियल। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे, करो भाई सोल्व, इसके फैक्टर कर दिए 1 माइनस में 2y, 1 प्लस में 2y, समझ के वो आइडेंटिटी लगा दी। अब इसको वैसे सोल्व करेंगे जैसे हमने नेट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, कैसे दो टर्म की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों क्या है नेगेटिव। तो एक बार तो क्या लिखा, 1 माइनस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार तो इसको सोल्व करेंगे। और एक बार क्या करेंगे, 1 माइनस में 2y लेस देन इक्वल टू 0 दूसरा एंड 1 प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व किया तो माइनस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -1,
दोनों साइड से अगर हम माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो वाई लेस देन क्या आएगा, वन बाई टू। इसको सोल्व कर लो, टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का वन बाई टू। तो यहाँ से इंटरवल बन जाएगा कि वाई माइनस एक बटा दो से बड़ा होना चाहिए और प्लस एक बटा दो से क्या होना चाहिए, छोटा। जब तुम यहाँ सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा कि वाई एक बटा दो है उससे तो बड़ा होना चाहिए और माइनस एक बटा दो है उससे छोटा होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपसे कोई यूँ कहे कि कैसी वैल्यू बताओ जो हमारी दो से तो बड़ी होनी चाहिए और माइनस तीन से छोटी हो, तो क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी कि इसके पास तो क्या आया, फाइव। जब इसकी यूनिट इसके साथ करें तो सेट आ जाएगा माइनस वन बाई टू से वन बाई टू। यानी कि वाई के ऊपर ये बाउंडेशन रहेगी, वाई अगर माइनस वन बाई टू से वन बाई टू क्लोज इंटरवल में रहेगा तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, रियल। तो फिर ये किसका काम करेगी, आपकी रेंज का काम करेगी।